मैन, मेरी मम्मी को क्या हो गया? कैसे लड़कों से मिलने भेज रही है मुझे? मैं सिर्फ 10वीं पास किया हूँ। 10वीं पास? मेरे घर का माली भी 10th पास आउट है, तो मेरे घर का माली होना चाहिए था यार। पल पहन के रेस्टोरेंट में आए हो मुझसे मिलने, और क्या ही कमाते होगे तुम? 5,000? 8,000 है? इतने के तो मैं सनग्लासेस पहनती हूँ मिस्टर। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? डोंट सिट हियर, इट्स चिकन। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप पायल है ना? हाँ मैं पायल हूँ, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं आप ही से तो मिलने आया हूँ ना। क्या तुम जतिन हो? हाँ मैं जतिन हूँ। मुझे तो नाम से ही समझ जाना चाहिए था। शिट मैन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी मदर ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। कपड़े देखो अपने। वेट, तुम चप्पल पहन के रेस्टोरेंट में आए हो मुझसे मिलने? मेरे को शौक नहीं ज्यादा दिखावाबाजी करने का, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के रहता हूँ। दिखावाबाजी तो तब करोगे ना जब दिखाने को कुछ होगा तुम्हारे पास। और क्या बैटरी हो तुम? इतने बड़े बड़े स्पेक्स, एक से बढ़ के एक रिश्ते आए हैं मेरे लिए, मैंने उनको तक रिजेक्ट कर दिया। मम्मी को तुमने क्या दिखा जो मम्मी ने मुझे तुम जैसे लड़के से मिलने के लिए भेजा है? आप ये कैसा बिहेव कर रही हैं मेरे साथ? मैं तो नॉर्मली ऐसे बन के रहता हूँ। वेल, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी अब मुझे। कहाँ तक पढ़े लिखे हो तुम, बताओ कुछ। मैं पढ़ा लिखा? छोड़ो ना, पढ़ाई के बारे में क्या ही पूछ रहे हो, कुछ और पूछो ना, पर्सनल पूछो। जैसे कि मुझे क्या पसंद है खाने में, मतलब क्या ऑर्डर करें हम, या फिर मुझे कहाँ घूमना पसंद है, कुछ और पूछो ना, मतलब कुछ पर्सनल। कौन सा रंग पसंद है थोड़ा? कपड़े और लुक्स तो तुम्हारे लिए मैटर करते नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं करती मैटर, पढ़ाई के बारे में भी नहीं बताना चाहते। अरे बताओ यार, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, पता चले तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। वो तो दिखी है, वेल फिर भी बताओ। मैं कह रहा हूँ ना कि पढ़ाई के बारे में मत ही बात करो, छोड़ो पढ़ाई को। मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की है, तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए प्लीज़ बताओ। सॉरी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पास किया हूँ। क्या 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 कहा तुमने? 10वीं पास? शिट, यू नो व्हाट, मेरे घर का माली भी 10th पास आउट है, तुम्हें तो मेरे घर का माली होना चाहिए था यार। मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है मेरी गाड़ी में, वो भी ग्रेजुएटेड है, और तुम जिससे मैं मिलने आई हूँ शादी के लिए, वो 10th पास आउट है। ओ मैन, मेरी मम्मी को क्या हो गया? कैसे लड़कों से मिलने भेज रही है मुझे? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 10th पास आउट हो, हिम्मत कैसे आ गई यहाँ पर आकर मुझसे मिलने तक की? और क्या ही कमाते होगे तुम? 5,000? 8,000 है? 12,000? 12,000 तो पक्का। इतने के तो मैं सनग्लासेस पहनती हूँ मिस्टर। और तुम जॉब कहाँ करते होगे? ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाते होगे, है ना? पूरा टाइम वेस्ट कर दिया आज तो मम्मा ने मेरा। बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ मैं 10वीं पास हूँ, सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। तुम मेरी क्वालिफिकेशन देख के, मेरे पहनावे को देख के मुझे बहुत गलत जज कर रही हो। हाँ मैं 10वीं पास हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लाइफ में फेल हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 10-12 हज़ार की नौकरी छोड़ो, 25 से 50 हज़ार तक की सैलरीज देता हूँ मैं। इस शहर में मेरे 5 रेस्टोरेंट हैं, और जिस रेस्टोरेंट में तुम बैठी हो ना, जिसमें हम मिलने आए हैं, वो भी मेरा ही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। तुम कितना गलत जज कर रही हो यार मुझे। तो क्या हो गया, मुझे ज़्यादा फैंसी बनने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही बन के रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है यार, मेरे को नहीं शौक मैं सूट बूट पहन के बैठूँ, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता यार। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, अपने काम में फोकस करता हूँ, अपने पहनावे में फोकस नहीं करता। मैं अमीर हूँ मुझे पता है, मैं अपने आप को अमीर दिखाने में बिलीव नहीं करता। मैंने बिजनेस किया है और मैं सक्सेसफुल हूँ आज। और पढ़े लिखे लोग करते क्या है, जॉब ही तो करते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते ही नहीं है ना, वो धंधा करते हैं, और वो उन नौकरी वालों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आजकल तो इतने स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं यार, वो लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वो लोगों को हायर कर रहे हैं, वो खुद हायर नहीं हो रहे। तो अपनी सोच को बदलो यार, अभी भी वही पुरानी सोच पे अटकी हो तुम, कि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा वही अच्छी सैलरी करता होगा, वही मुझे कुछ रख पाएगा। पढ़ा लिखा तुम्हें कितने कुछ कर पाएगा, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की सैलरी होगी उसकी। मैं महीने का 50 से 70 लाख रुपये कमाता हूँ। मैं सोचा था मैं ऐसा पार्टनर चूज करूंगा जो मेरे बिजनेस में मेरा हेल्प करे, मुझे मोटिवेट करे, और मेरे करोड़ों के बिजनेस को संभाले। लेकिन तुम्हारी सोच तो किसी आम से जॉब करने वाले तक ही है यार।
कि जो महीने का 50,000-1,00,000 रुपये कमाता हो बस। तुमने बहुत अच्छा मौका गवा दिया और भगवान ने मुझे इसी से बचा लिया, क्योंकि मैं शादी एक लड़की से नहीं पैसों की दुकान से करने वाला था, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, क्लास चाहिए, ना वो दिल से अमीर है ना सोच से। हल कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारी मम्मी ने मुझे मिलने से पहले मेरे बारे में अच्छे से बताया नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी कॉल करके पूछ लेना जिस लड़के से तुम आज मिलने आई थी वो था कौन, उसका कितना बड़ा बिजनेस है, वो कितने करोड़ों का मालिक है। हाँ मैं पहुंच गई, उसी लोकेशन पे हूँ, उसी रेस्टोरेंट। अरे मैं तुझे सब बताती हूँ, पहले मिल ले उससे। ठीक है कर रही हूँ वेट, बताती हूँ मिलके। बताते भी नहीं हो ना एक तो कुछ। मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मेरे जाने के बाद अपनी मम्मी को कॉल कर लेना, पूछ लेना मेरी हिस्ट्री के बारे में, और इसका बिल मत पे करना। इस रेस्टोरेंट में कभी भी आना, फ्री में खा के चले जाना। इतना दान पुण तो मैं वैसे ही कर देता हूँ, इसके पैसे मत लेना यार।